तुर्की में जलजले के बाद जहाँ कई सारे देशों ने तुर्की की मदद की है, वहाँ भारत भी इन सारे देशों में सबसे आगे दिखाई दिया। जहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय टीम जो तुर्की में पहुँच चुकी है अपने इस फर्ज को पूरी जान से अंजाम दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया, जो ऑपरेशन दोस्त में दोस्त का मतलब तुर्की जबान में भी दोस्त की ही होता है। इस तरह इस ऑपरेशन को ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है। याद रहे कि तुर्की ने भी भारत को कोविड-19 के समय में मदद की थी, जहाँ तुर्की ने भारत में कोविड-19 के समय अपने 2 एयरक्राफ्ट भारत में भेजे थे। और जब तुर्की को अभी भारत की ज़रूरत है और तुर्की में हालात इंतहाई नाजुक है, तो भारत ने भी अपना कदम आगे बढ़ाते हुए तुर्की की मदद की है। भारत ने तुर्की में C-17 जहाज़ को भेजा है, जिसमें सारी मेडिकल एड और कई सारे इमरजेंसी सामान मौजूद है। साथ ही भारत ने अपनी NDRF की टीम भी वहाँ भेजी है, जो फुल एक्शन में नज़र आई और वहाँ पे कई लोगों को रेस्क्यू कर रही है और मेडिकल एड भी दे रही है। याद रहे कि तुर्की में 7.60 का एक भयानक जलजला आया था, जिसकी वजह से 8,000 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और कई लोग अभी भी मलबे के नीचे मौजूद हैं, जिसकी वजह से कई और लोगों के जान जाने का ख़तरा और भी बढ़ रहा है। इसी के साथ रजब तैयब एर्दोगान ने पूरे देश से वादा भी किया है कि वो पूरे देश को, जिन्हें इस भूकंप के चलते नुकसान हुआ है, वो उसकी भरपाई करेंगे और किसी को एक रुपए भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस ऑपरेशन दोस्त के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।